मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक मशीन को फुली ऑटोमेटिक की तरह यूज़ करूंगी। वर्लपूल की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि अब विंटर्स भी आने वाले हैं और जो मेरी बहनें हैं जो झुक कर जिनके बैक में प्रॉब्लम है वो कंगाल नहीं सकती कपड़े, उनके लिए एक ईजी मैथड। अब मैंने लेवल के हिसाब से पानी एडजस्ट कर लिया है इसमें, और ये तीन इसमें स्लॉट दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं, ये वॉश के लिए, ये ड्रेन के लिए और ये ड्रायर के लिए। देखिए मैंने वाटर लेवल के अकॉर्डिंग इसमें पानी भर लिया है। ये इसका ड्रायर है, इसी में आपको मैं फुली ऑटोमेटिक का सिस्टम करके दिखाऊंगी, जिससे आप इजीली अपने कपड़े धो सकते हैं। विंटर्स में जैकेट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह भी आप आराम से इसमें धो सकते हैं। अब इसमें ये दोनों बकेट्स मैंने भर लिए हैं, दो डिवाइड कर लिए है कपड़ों को मैंने, लाइट कपड़े और डार्क कपड़े। लाइट कपड़े इसलिए सबसे पहले डालेंगे क्योंकि डार्क कलर के कपड़े इस पर कलर ना छोड़ दे। ये 10 रुपये का पैकेट लिया है सर्फ एक्सेल का, क्वांटिटी आपको समझ में आए इसलिए। इसमें देखिए मैं कितने कपड़े धो लेती हूँ 10 रुपये के पाउच में। इसको मैंने अब पूरा हैवी लोड चला दिया है इसका, देखिए कितने अच्छे से। ये मशीन बहुत अच्छी है, 1 साल का एक्सपीरियंस करके मैं आपको इसका डेमो दे रही हूँ। ये अच्छे से पूरा अच्छी क्वांटिटी में कपड़े डाले हैं, थोड़े थोड़े भी नहीं है ये, ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम क्वांटिटी में कपड़े डाले हैं मैंने। अच्छे से सर्व घुल मिल गया है, कपड़ों का राउंड अच्छे से दे रहा है, हैवी लोड पर मैंने लगाया है। अब देखिए आप, एक पूरा लोड हो चुका है। अब इसमें से हम जो पानी मैंने बकेट में भरा था उसमें से हम इस पर कपड़ों पे पानी डालेंगे, और जो सर्फ इसमें है वो सारा इसमें पानी के टब में चला जाएगा, वॉशर टब में। हमारा लेवल जो है पानी का वो भी वैसे ही बना रहेगा और सर्फ भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए फिर से अब मैंने पानी लिया, अब दोबारा जो कपड़े मैं निकालूंगी उनको सबको मैं ऐसे ही कंगाल कंगाल के डालती जाऊंगी ड्रायर में अपने, क्योंकि इसका सर्फ फालतू में वेस्ट होगा और ज़्यादा पानी लगेगा इसलिए। और इसमें आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, और ज़्यादा भीगेंगे भी नहीं आप, आराम से इसको आप ड्रायर में डालते जाइए। बहुत ही ईजली हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है ये, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना आपको, झुकना नहीं है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, बस कपड़ों को लेकर एक मग पानी इस पर डालिए और इसको वहीं के वहीं निचोड़ के ड्रायर में डाल दीजिए। हमने ऑफ़ कर दिया मशीन, मशीन चल नहीं रही है अब, आप डायरेक्ट मशीन चला के मत करिएगा इसको, आराम से हम इसको डाल देंगे। अब मशीन बंद करके इसका प्लग लगा के हम इसको ड्रायर मोड पे चला देंगे। इसको हम, ये जो ड्रायर है मैक्स ड्रायर, इसको हम पूरा घुमा देंगे। अब हम इसमें इसका जो नल है, जो टैप है, हम इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करके, क्योंकि पानी की सप्लाई अब इसमें जाती रहेगी और हम इसको तब तक चलाते रहेंगे, ये खुद ही एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू उसके, ये चलता रहेगा जब तक इसमें साफ पानी नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें सर्फ का पानी निकल रहा है, जैसे जैसे कपड़े साफ़ होते जाएंगे पानी अपने आप क्लीन होता चला जाएगा, आपको इससे पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं आपने ना हाथ लगाया ना कुछ किया और अपने आप कपड़े धुल रहे हैं। अब मैंने दूसरा स्लॉट भी डाल दिया है वॉशर में, वॉशर टब में, और वो ड्रायर का काम अलग चल रहा है। ये वॉश में दूसरा स्लॉट जो डार्क कपड़ों का था वो डाल दिया मैंने, अब इसमें मैंने अपना लिड लगा के वो उसकी ड्रायर की और चला दिया। 10 मिनट में ये धुल के तैयार हैं, ये धुल गए कपड़े, देखिए बिल्कुल साफ सुथरे होकर निकले हैं, ये सूख कर धुल कर निकले हैं। ये एक एक करके हम इसको डाल के अब आराम से बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक की तरह इसको निकाल के हम सिर्फ डाल देंगे, कोई ज़्यादा इसमें रिंकल्स भी नहीं आए हैं। मैं दिखाऊँ आपको इसको खोल के, देखिए बिल्कुल साफ़ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आसानी से अपनी वॉशिंग मशीन को फुली ऑटोमेटिक बनाएं। थैंक